हाँ जी, क्या कह रही है? खाना खाना है उनको, खाना खाना है आपको। कितने, क्या नाम है आपका? मेरा कोमल, इसका काजल। कोमल और काजल, बच्चे आप स्कूल गए हो कभी? हाँ, तीसरी तक की पढ़ी। तीसरी तक। पापा क्या करते हैं आपके? पापा नहीं, ऑफ हो गए। ऑफ हो गए। और मम्मी? मम्मी कचरा बीनती है। मम्मी कचरा बीनती है। कहाँ रहते हो आप? वासना। वासना कोई जगह? और यहाँ पे आप लोगों को ऐसे बोलते हो खाना खाना है, तो लोग खाना खिलाते हैं कि पैसे देते हैं? पैसे कोई देता है, कोई खाना खिलाता है, हम खा लेते हैं। आप खाना खा लेते हैं? अभी मैंने वेफर खाई। अभी वेफर खाई है? थोड़ी थी, तो हम दोनों बहनों ने खा ली। दोनों बहनों ने खा ली। इसका नाम कोमल है, ये कभी स्कूल गई है? वो गई थी, पर उसको अच्छा नहीं लगा, तो मेरे साथ आती है खाना मांगने। तो तुम लोग कितने बजे से खाना मांगना शुरू करते हो? हम अभी मांग के घर चले जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, वहाँ से घर चले जाएंगे, फिर वहाँ जा 50-60 रुपए इकट्ठे करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। अभी 10 रुपए नहीं, तो लोग रुपए भी देते हैं, खाना भी देते हैं? कोई खाना देता, कोई पैसे देते। अभी एक भाई ने 10 रुपए दिया और इतनी वेफर थी तो वो दिया। हम अभी 60 रुपए करेंगे, घर जाके चावल पका के खाएंगे। और जो मम्मी कूड़ा बीनती है उससे क्या पैसा? वो घर का भाड़ा, लाइट बिल के लिए। घर का भाड़ा और लाइट बिल। कितनी उम्र है बच्चे तुम्हारी? मेरा 13। 13 साल की। और ये कोमल? कोमल लगभग 7 या 8। तो आपके घर में कौन कौन है? और मैं, मम्मी और बहन और भाई। मैं, मम्मी, बहन और भाई। भाई क्या करता है? भाई मम्मी के साथ जाता है, छोटा है। वो कोमल से भी छोटा है? इतना आता है। वो मम्मी वो के भी साथ कूड़ा बीनता है? मम्मी के साथ जाता है, खाना खिलाती है, फिर उसके साथ ही रहता है। मम्मी भी खाना मांगते हैं? नहीं, खाना नहीं मांगती, वो कचरा बीनती है। कोई देते है ना तो मम्मी खाती है। कोई देते है पर वो ऐसे नहीं मांगती। तो मम्मी को पता है कि तुम लोग यहाँ खाना मांगने आते हो? मम्मी इधर आओ, इधर बैठो, आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं डरो नहीं, बैठो। इसका नाम कोमल है और तुम्हारा? इसका नाम काजल है, मेरा कोमल। तुम्हारा कोमल। तो मम्मी को क्या लगता है कि तुम घर पे रहती हो? हाँ? और तुम यहाँ आ जाती हो, तो पहली बार कब आई थी मांगने? मैं तो बहुत दिन से आती। तो कोई लेके आया था यहाँ कि यहाँ मांग लो पैसा मिल जाएगा? नहीं, हम पहले यहाँ पे पानी की बोतलें बेचते थे, फिर हमारे पास नहीं होता है ना पैसे, तो हम खाने के पैसे करके घर चले जाते। पहले पानी की बोतल बेचते थे मसरापुर लेके ना? हाँ, वहाँ पे। अच्छा, तो वो बोतलें कौन देता था बेचने को? अमित नाम का आदमी है, हम उनसे 9 रुपए में लेते थे। 9 रुपए में? 90 में। और कितने में बिक जाती थी वो? वो बोतल 20 में बेचते। 90 रुपए की 10 आती होगी शायद। 90 रुपए की कितनी बोतल आती थी? 12 और 20 रुपए की एक बोतल बेचते थे। 240। तो फिर बच्चे वो काम बंद क्यों कर दिया आपने? नहीं है पैसे इसके लिए। तो वो जो 90 रुपए की बेची, खैर क्या बहस। तो फिर तुमने बंद कर दिया, उसके बाद तुम आके मांगने लगी? मम्मी को नहीं पता है अब तो, पहले बोतल बेचते वो पता था। तो मम्मी को क्या लगता है कि कोमल और काजल बोतल बेचने गए? नहीं, घर पे ही है। तो हम जल्दी चले जाते हैं। क्यों? क्या मम्मी 11 बजे आती है और हम घर जाके और खाना पका के सो जाते हैं खा के। फिर मम्मी बोलते हैं कहाँ से लाए, तो हमने यूँ बोलते हैं कि हमने वो आंटी से यूँ पैसे लेके यूँ बोला था कि मम्मी आएंगी तब हम दे देंगे, फिर मम्मी देती हैं तो हम वो गल्ले में डाल देते हैं। अच्छा, तो गल्ले में कितना पैसा जमा हो गया? वो तो खाली हो गया, दिवाली में कपड़े लाए थे ना। दिवाली में कपड़े लाए थे? बच्चे चप्पल नहीं है आपके पास? हम नहीं पहनते। क्यों? और ठंडी नहीं लगती इसको ये ऐसे टी शर्ट में घूम रहे? इसके लिए तो हम अभी चले जाएंगे घर, हम ज्यादा नीचे नहीं रहते। एक अंकल आता है, ऐसी ना हो ना वहाँ पे, वो काली टी शर्ट वाला है, ऐसे आता है ना तो भगाता है बाहर डंडा लेके, तो हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। डंडा लेके भगाता है? सिक्योरिटी नहीं है यहाँ का, मैनेजर है। क्या बोलता है वो? निकलो बार, एक आंटी आती है उसको मांगने देता, हम लोगों को नहीं मांगने देता। आंटी को मांगने देता है हम लोगों को नहीं मांगने। तो आंटी कहीं पे बैठ के मांगती है कि वो भी घूम घूम के मांगती है? वो टेट वो लकड़िया ब्रिज है ना, वहाँ पे रहती है, वहाँ से मांगती मांगती यहाँ तक आएगी, फिर वो साफ भी खड़ा होगा ना, फिर भी वो जाती है, नहीं बोलती। लगभग 6-7 भाई सब इधर सुन ले,
तो कोमल राइट, कोमल, तो कोमल जब तुम स्कूल में पढ़ने जाती थी क्या पढ़ाते थे उसको स्कूल में? 3100 सूदी मैंने वधारे, मेरे को ज्यादा हिंदी नहीं आती है, गुजराती में बोल दो। 3100 सूदी लगाता था पई पेलू के छे ने क कमल नो खा खटाई एवं बधु कक्को ने वो लखा था का कमल खा खटाई। नहीं नहीं ये रोचक है, खा से कमल और खा से खटाई लोगों की बिल्कुल, ये खा से बचपन से खटारा खटारा खड़ी कमल से कमल घर से गधा होता है, फिर बड़े घर से घर, घर से गधा, बड़े घर से घर, गधा पढ़ाते हैं। ये बताओ कि ये काजल कभी स्कूल गई कि कभी नहीं गई? ये अब तो नहीं जाती, पहले जाती थी बाल मंदिर, अब नहीं जाती। पहले जाती थी बाल मंदिर, अब नहीं जाती है, अब क्यों नहीं जाती है? आज जवाब बताओ, बताओ काजल स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो मम्मी को ये पता है कि काजल स्कूल नहीं जाती है? टीवी है तो है घर में? टीवी है? टीवी नहीं है, टीवी कुछ नहीं है। टीवी लेंगे तो ज्यादा लाइट भी लाएगा ना, खाली पंखा ही चलाते हैं। टीवी लेंगे तो ज्यादा लाइट भी लाएगा। कहाँ पे रहते हो तुम? वासना। वासना में कहाँ पे? वासना भट्टा गांव में। अच्छा, भट्टा पालड़ी भट्टा, कितनी दूर यहाँ से? कितनी दूर है यहाँ से? 7-8 किलोमीटर। अब पालड़ी वालू भट्टा नहीं, वासना वालू भट्टा है ना, भट्टा हो एपीएमसी मार्केट बाजू, तो और आगे हो गया सर। वासना से आगे है, वासना के बाद यो घंटे नती रहता त्यागारी 7-8 किलोमीटर। आप ये बताओ कोमल कैसे जाते हो घर? हम यहाँ से मांगते मांगते हम वो दवा खाना है ना वहाँ तक जाते, वहाँ से 10 रुपए दे के वासना, वासना से 5 रुपए किस में? बस को दे के बात करें सर, जिस वीएस हॉस्पिटल की वो भी यहाँ से 3 किलोमीटर से ऊपर होता है। नहीं नहीं 2 किलोमीटर जैसा, यहाँ से अब 2 किलोमीटर तक और मांगेंगे। अच्छा तो लोग खाना देते हैं, पैसा देते हैं, ज्यादा पैसा भी देते हैं, कम देते हैं पैसा? कभी कुछ 100 रुपए भी दिया किसी ने? 10 कोई नहीं देता 100 तो। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार, कोई आदमी तुम्हारे घर पे आया हो कि तुम लोग अब स्कूल में पढ़ो जाके, तुम लोग ऐसे मत मांगा करो, किसी ने नहीं समझाया कभी? वहाँ पे तो स्कूल है अंदर, पर क्या एक बार तो ये सापुर में केस हुआ था। क्या केस हुआ था सापुर में? वो प्रिंसिपल ने 8 साल की लड़की थी तो गलत काम किया था, तो फिर ऐसा ऐसा गलत काम किया था। हाँ आया था, फोन में भी आया था, एक भाई ने दिखाया था मेरे को। गयासुद्दीन शेख, गयासुद्दीन शेख जो अभी विधायक में, जो विधायक कैंडिडेट सिटिंग एमएलए, और उनको भी टिकट मिला है सिटिंग कांग्रेस में से, कांग्रेस में, और 2 बार लगा था कंटिन्यू यहां का एमएलए वहां। तो उन्होंने क्या किया वहां का? उसकी अच्छा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ। फिर हमारे वहां पे उनको मोबाइल पे दिखाया किसी ने? हाँ एक ऐसे वहाँ के थे, तो हमने हम लोगों को बोला कि मत मांगो ऐसे, फिर हम लोगों को वीडियो दिखाया था तो उनके मम्मी पापा भूत रहे थे वो लड़की के, जिसके साथ गलत काम हुआ था उसके, तो वो भी मांगती थी क्या जाके? नहीं वो तो स्कूल में पढ़ती थी। हाँ इसके लिए तुमसे क्या बोला कि अब तुम मत जाओ स्कूल की, मत मांगो? क्या बोला तुम? मत मांगो ऐसी तरह कुछ, आपको भी कोई ऐसा हो? मैंने क्या बोला कि मेरे को कोई छू भी नहीं सकता, छुएगा तो गाली पड़ेगी मेरे हाथ से। तुमको कोई ऐसे गलत छुएगा तो गाली पड़ेगी? आज मैं 3 लड़कियों को उन लोगों के घर तक छोड़ के आई। मैं 3 लड़कियों को उनके घर तक छोड़ के आई? क्यों, क्या यहाँ पे थे ना तो कार वाले थे, तो वो लड़की का पीछा कर रहे थे, और उसको क्या बोले कि तेरे को पिक्चर देखना है बेजा कार में। वो लड़की बड़ी थी? वो लड़की मेरे जितनी थी और इतनी 2 थी इसकी जैसी, 2 काजल जितनी उम्र की थी और 1 तुम्हारे जितनी। हाँ, तो वो लोग रो रही थी, तो कहाँ मिली वो तुम्हें वो लड़की? यहाँ पे थी, पहले तो वहाँ पे मांग रही थी ना, मैंने बोला क्या तुम लोग मांग रही थी? हाँ तो ठीक यहाँ तक वो झूला खा रही थी ना, तो कार वाला बाहर खड़ा था, तो मैंने बोला क्या है तेरी बहन है या तेरे क्या लगते था निकलने की, उसको घुर घुर कर रहा, तो वो चला गया। फिर वो मैं यहाँ तक रखा उसको, फिर वापस वो गई ना तो वापस उसका पीछे करने लगा, तो मैं वापस उसके साथ जाके उसके घर तक रख के आ गई। कहाँ रहती है वो? यहाँ पे पतंग होटल पे रहते, बारिश होते वो लोग तो काठिया वारी थी वो। अच्छा उनके पास झुग्गी नहीं है? होता है पर वो लोग है ना यूं ही बाहर रहते, क्या ठंडी में वो ऐसे चादर उड़ाते है ना इसके लिए।
कंबल देने वाले आते हैं ना, वो कंबल खुला सोल तो कोई आके अच्छा। तो ये बताओ कोमल, जैसे तुम्हें बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहे कि तुम फिर से ये कम से कम, या तो ये काजल स्कूल जाने लगे, ये कैसे क्या करना होगा जिससे काजल स्कूल जाने लगे? पता नहीं जाती है। नहीं तो तुम बताओ ना, तुम बड़ी हो तो बोलती हो ना कि जाए स्कूल, फिर भी ये रोक के घर पे ही रहती है, नहीं जाती। तो तुम इसको सिखाओ ना, अगर ये स्कूल नहीं जाएगी तो फिर ऐसे कब तक खाना मांगती रहेगी दूसरों से? अच्छे से आज शाम को है ना मम्मी आएगी ना, फिर मैं शादी में जाऊंगी काम करने के लिए। 300 रुपया हाजिरी देते एक टाइम। शादी में काम करने जाओगी ऐसे? अच्छा। पूरिया बनाने की, सब्जियां काटने की। वो आज ही करना है कि शादी में काम कल करना है? नहीं आज जाएंगे और कल करना है। आज जाके कहाँ जाना है? वो पता नहीं, वो लोग तो उनको पता के कहाँ जाना। मैं भी 2 दिन पहले जाके आये ना तो वसराल का था। तो वहाँ पे तुम क्या काम करती हो? हमने वहाँ पे है ना पूरिया बनाई, रोटी पकाई और सब्जियाँ काटी। और तुम्हें 300 रुपए मिले? मम्मी को कितने मिले? मम्मी नहीं थी, मैं और मेरी मौसी की लड़की। अच्छा, और ये भी जाती है? नहीं वो तो घर पे, आज वो आएगी। मेरी मौसी की लड़की है ना, कुछ काम नहीं करती है और घर पे मेरे को डांट कर दे। मैंने बोला मौसी तुम्हारी लड़की तुम संभालो, मेरे को हैरान करती है, मेरे को नहीं ले जाना, मैं मेरी बहन को लेके जाऊंगी। ये भी काम कर लेती है क्या? ये क्या काम कर लेती है? वो सब्जियाँ काटेगी। ये सब्जियाँ काटेगी? अच्छा, तो तुम लेकिन इसको समझाओ ना, ये स्कूल जाएगी तो पढ़ लेगी और ये नहाती भी नहीं है। हम है ना, हम पहले दोपहर में आए थे ना तो जल्दी घर चले गए थे वापिस, कोई नहीं था तो हम घर चले गए, फिर मट्टी में खेल के घर गए थे हम लोग। अच्छा, इसलिए ये गंदी हो गई है, शैतान है ये। क्या बना हुआ है इसकी टी शर्ट? बिल्ली बनी हुई है। कौन लाया ये टी शर्ट आपके लिए? मैं। आप लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? हम यूनिवर्सिटी खाना मांगने गए थे, पैसे नहीं थे तो यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ खाना मांगने। मैगी वो हम मांगने गए थे तो दुकान थी तो मैं वहाँ पे गई थी ना, तो एक दीदी ने 2 टी शर्ट दी थी, मैं नहीं पहनती टी शर्ट, मैं ड्रेस ही पहनती, तो मैंने बोला तू पहन लेना। अच्छा, तुम ड्रेस पहनती हो, ये ड्रेस कहाँ से आती है? ड्रेस यहाँ पे देते हैं, बहुत सारे पहचान वाले आते हैं ना भैया और दीदी, तो एक दीदी ने बोला मैं तेरे को पैंट और ऐसे दूंगी ड्रेस, बोला ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि क्या ऐसा किया जाए जिससे फिर तुम्हें खाना ना मांगना पड़े? तुम दोबारा कम से कम कुछ नहीं तो पानी की बोतल का काम शुरू कर दो, स्कूल का शुरू कर दो, या तुम्हारी मम्मी को शिकायत कर दी जाएगी ये लोग खाना मांगते हैं, तो वो तो इतना मेहनत इसीलिए करती है ना कि तुम पढ़ने जाओ। नहीं अभी भी है ना मम्मी के ऊपर बहुत सारा भार है ना इसके लिए। क्या भार है मम्मी ऊपर बताओ? मेरे पापा ऑफ हो गए थे ना। पापा क्या करते थे? करिया काम है, फिर ऐसे लारी लेके भंगार में वो करते थे, पापा मारवाड़ी थे, मम्मी भील है। इस मम्मी ने है ना लगभग 1 लाख का देवक करा हुआ है। मैं पापा होप हो गया था क्या करा है? तो उसमें से वजन हुआ खाने का हुआ, फिर वो आग के दरवाजा था ना, गरीब आदमी है उसको भी क्रियाक्रम में भजन करवाना है, इसीलिए तो मुझे हमारे होता है इसके लिए। फिर भी कितने इंटरेस्ट भी लिया है, कितने ब्याज भी लिया है? सिटी में 2013 के आंकड़ों के मुताबिक 8,000 बच्चे ऐसे, सिटी की बात कर रहा हूँ, जो रिंग रोड के अंदर की बात, अहमदाबाद सिटी में कितने 8,000 से 8,500 के बीच में। पर यार ऐसे एनजीओ होंगे तो जो इन बच्चों के लिए काम, समझ नहीं हो ये बता रही है, लेकिन उसको घर से ही भेजा होगा क्योंकि हर रोज ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन हो सकता है, आप छुपा सकते हो 2 दिन। हम तो रोज ही आते हैं, झूठ नहीं बोलते, मैं तो रोज आते हैं। मम्मी से छुपा है, हर रोज तो नहीं छुप सकते ना। मम्मी ये तो मम्मी को मम्मी रात को 11 बजे आती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सुबह होटल के बाहर छोड़ देते हैं, 2 बच्चे को 3 बच्चे को, वो 100-200 रुपए इकट्ठा कर लेंगे और पूरा जो सब लोग निकलेंगे वो खाना खाने देंगे और शाम को 7-8 बजे वापस ले जाएंगे, उसको बोलोगे फिर भी वो स्कूल नहीं भेजेंगे।
ऐसे कहते हैं कि हम आपका स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, आपको खाना है या आपको मिड डे मील में मिल जाएगा, आपका पढ़ना भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। झूठ बोलकर एक दिन जा सकते हो, 365 दिन तो नहीं जा सकते। और इनके घर भी गवर्नमेंट ऑफिसर गए होंगे क्योंकि मोदी सरकार टारगेट पे ही चल रही है, उनको भी टारगेट और प्रेशर होता है रहती है। तो वहाँ पे मैं और मेरी वाइफ, जैसे मेरी बच्ची के कपड़े हैं या जो बोली बोली बात, तो वहाँ पे हम लोग मतलब उनको हेल्प करने जाते हैं। नहीं नहीं अभी तुमसे बात करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से उनको मतलब फ्लैट मिला हुआ है 1 BHK जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मकान मिला हुआ है, फिर भी उन्होंने वो मकान रेंट पे दे दिया है और यहाँ पे आके रहते हैं। ये पहले जो रिवर फ्रंट था, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो बोले कि हमारा काम यहाँ रोड से होता है, हम लोग यहाँ पे पानी बेचते हैं और हमको घर दिया है नारोल में, तो बोले हमको आने जाने में तकलीफ होता है इसलिए हम लोग यहीं पे रह जाते हैं, उसको रेंट पे दे दिया तो थोड़ी इनकम भी हो जाती है। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।